दोनों जल्दी बताओ क्या खाया था, वरना हॉस्पिटल में एडमिट कर दूंगा। अरे बताओ बताओ, वरना डॉक्टर साहब हॉस्पिटल में एडमिट कर देंगे तुम्हें। मम्मी मैं नहीं जा रही पनीर लेने, आप इसको तो कुछ बोलती नहीं हो, सारा काम मुझे बोलती हो, जा मनी तू जा। ओहो मम्मी और तेरी बात चल रही है ना, मुझे तुम बीच में ला रही है, तू जा मार्केट। बीच में तो 7 साल पहले आ गई थी, और हाँ बड़ी होके जब पराई घर जाएगी तो यही बोलेगी। पराई घर तो मैं पहले आप ही जाओगी, तो आप काम करना सीख लो, जाओ जाके मार्केट से पनीर लाओ। तू चली जा ध्वनि, चुपचाप छोटी है छोटी रहे, तू जाएगी ध्वनि चुप रहे, तू जा ओए ओए ध्वनि जा जा। क्या हो रहा है, चुप करो दोनों की दोनों, बिल्कुल चुप, एकदम एकदम चुप। अब दोनों जाओगी और दोनों लेकर आओगी और मिलके जाओगी, जाओ जाओ। मुझे नहीं जाना तेरे साथ, मुझे नहीं जाना, चुपचाप जाओ, जाना पड़ रहा है तेरे साथ। आंटी आप एक काम करो, पनीर रहने दो, मैगी पैक कर दो। कितने पैकेट करने हैं बेटा? सारे कर दो। कभी तो लाइफ में सीरियस होके बात कर लिया करो।
लोग हो गए सीरियस। मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है इस घर में। पापा को सारा दिन कॉमेडी करनी होती है और बच्चों को सारा दिन मैगी खानी होती है। मैं तो परेशान हो गई हूँ, मैं क्या करूँ? पूरा घर सर पे उठा रखा है, कोई कुछ काम करने को रेडी नहीं है। मेरे पैरों में भी दर्द रहता है, मेरे हाथों में भी दर्द रहता है, मेरी जान ले रखी है। मैं क्या करूँ? मैं मायके ही चली जाती हूँ आप लोगों को छोड़ के। कमाल है, मुंह पे उंगली भी रखवा दी, चुप भी करा दिया और फिर कहती है मेरी कोई इस घर में सुनता नहीं है। क्या करूं मैं इश्ना का? Hours later. बच्चों, मैं मार्केट जा रही हूँ। बच्चों, मैं मार्केट जा रही हूँ। मैंने आलू के पराठे बना के रख दिए हैं, तो खा लेना। वाह मम्मी, आलू का पराठा, पेट भर के खाएंगे मम्मी, पेट भर के। वाह वाह, यम्मी यम्मी, इट्स माय टम्मी, ग्रेट मम्मा। ओ मम्मी मेरी प्यारी मम्मी, ओ मेरी भोली मम्मी, ओ मेरी सीधी मम्मी, कितनी क्यूट लग रही हो आज। ओ कितना अच्छा सूट पहन रखा है, मम्मी की चॉइस तो बहुत अच्छी है मेरी प्यारी मम्मी। अरे बुआ, क्या है तुम दोनों को बड़ी बटरिंग कर रहे हो? कुछ चाहिए क्या मार्केट से मुझे? अरे मम्मी नहीं चाहिए हमें कुछ भी, हमारे पास सब कुछ है, तो हमें क्या चाहिए होगा मार्केट से? अच्छा चलो ठीक है, मैं मार्केट का काम कर आती हूँ, लेकिन खाना टाइम से खा लेना। आलू का पराठा यमी यमी बना के रखा है और दही भी रखा है, ठीक है? खा लेना। हाँ मम्मी, आलू का पराठा। बहुत तेज हो रहा है, बहुत ज्यादा तेज, बहुत
अपने पापा को फोन मिलाती हूँ। हेलो हेलो पापा, हम दोनों की तबीयत ना बहुत ज्यादा खराब हो गई है, प्लीज घर जल्दी से आ जाओ। और हाँ मम्मी को प्लीज फोन मत करना, वो मार्केट में है, वो परेशान हो जाएंगी। पापा प्लीज जल्दी आ जाओ। ठीक है बेटा, मैं आता हूँ डॉक्टर को लेके। ठीक है। A few moments later. डॉक्टर साहब जल्दी देखो क्या हो गई है। तुम दोनों ने क्या खाया था? तुम दोनों जल्दी बताओ क्या खाया था, वरना हॉस्पिटल में एडमिट कर दूंगा। अरे बताओ वरना डॉक्टर साहब हॉस्पिटल में एडमिट कर देंगे तुम्हें। भाई साहब इनको पेट में इन्फेक्शन हुआ है, इनको हॉस्पिटल ले जाके ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा। मुझे नहीं जाना हॉस्पिटल, मुझे नहीं चढ़वानी है ग्लूकोज। अरे भाई साहब हॉस्पिटल ले जाने के अलावा भी तो कोई और तरीका होगा। हाँ एक तरीका तो है, इनको इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। अरे ध्वनि कोई बात नहीं, हो गया। तुम लोग लेट जाओ। अगर इसके बाद तुम दोनों ने मैगी खाई तो तुम्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा, समझे भाई साहब। चलो आप मेरी फीस दो। चलो बताओ बच्चों तुमने इतनी सारी मैगी क्यों खाई? एक तो मेरे 1000 रुपए लगवा दिए और 300 रुपए पर इंजेक्शन, टोटल 1600 रुपए मेरे खर्चवा दिए, इतने तुमने मैगी भी नहीं खाई होगी। पापा इसने मुझे कहा था मैगी खाने के लिए, खुद खाती थी ना तो मुझे भी आदत लगवा दी। चल छुट्टी, अगर मैं कुएं में कूदूंगी तो क्या तू भी कूदेगी? रुको मैं मम्मी को बताता हूँ। जंक फूड जो ज्यादा मत खाना, क्योंकि ये हेल्थ के लिए होता है बहुत ही खराब। वी होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, तो जल्दी जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब हम आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।